हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टेंजेंट प्लेन ऑफ ए स्फीयर। आज जो है वो अपन कोई भी जो गोला होता है उस गोले के लिए जो स्पर्श समतल होती है उसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, अपन फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से जो इक्वेशन है वो अपन यहाँ पे लिखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होता है, उसको किस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं वो अपन सब यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी जो इक्वेशन है उसको मैं लिख देती हूँ, गोले के लिए स्पर्श समतल का समीकरण। अगर जब भी अपनी स्पर्श समतल की बात होगी तो अपन यहाँ पे एक सीधा सा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि अगर कोई गोला, अगर कोई समतल है किसी गोले को किसी पॉइंट पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो अपन उस पॉइंट को मान लेते हैं। स्पर्श जो बिंदु होता है उसको अपन यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि स्पर्श बिंदु क्या है मेरा, X1 है, Y1 है और Z1, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्पर्श बिंदु है और इस स्पर्श बिंदु पर क्या कर रहा है, ये इस गोले को क्या कर रहा है, इस पे स्पर्श से कर रहा है, ठीक है। देन इस कंडीशन में जो अपने स्पर्श समतल का समीकरण होता है वो अपन किस तरह से दिखाते हैं उसको अपन एक फॉर्मूले से देखेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए जब अपना बिंदु ये दिया हुआ होता है तब अपना फॉर्मूला रहता है X1 प्लस Y1 प्लस Z1, ठीक है। ये कहाँ रखना है अपने को, गोले के समीकरण की हेल्प से ही इस चीज़ को निकाला गया है। फिर X1 Y1 प्लस WZ1, ठीक है, इतना हो गया। और आगे जो है वो अपना क्या रहता है, DAZTJ रहता है, जैसा अपना स्पर्श के समतल सॉरी गोले के इक्वेशन में रहता है, बराबर में 0। ये जो पूरी इक्वेशन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्पर्श के गोले के लिए स्पर्श समतल होगा उसके समीकरण को ये रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। इसको अपन ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अपन इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स जो है वो अपन किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, अपन इसका पहला एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें आपसे कहा गया है कि आपको स्पर्श समतल की समीकरण फाइंड आउट करनी है और वो जो रेखाएं हैं इसमें अपने को जो पॉइंट दे रखे हैं वो एक बिंदु के रूप में नहीं देखे, अपने को क्या दे रखा है, रेखाओं के रूप में अपने को यहाँ पर दे रखी है। प्रॉब्लम सबसे पहले तो अपन देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल में अपने पास में गिवन है, एक गोला दे रखा है X2 + Y2 + Z2 = 16। ये क्या दे रखा है अपने को, गोले की समीकरण दे रखी है। पहली बात अब देखिए, ये गोला आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, या मूल बिंदु पर गोले का जो समीकरण है वो अपन ये कह सकते हैं। तो मूल बिंदु यानी 0,0,0, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब दूसरा जो अपने को इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो क्या कह रहा है कि उन दो स्पर्श समतलों के समीकरण को ज्ञात कीजिए, जो रेखा अपने को दो रेखाएं दे रखी है X + Y = 5 और दूसरी रेखा अपने को यहाँ पर दे रखी है X - 2Z = 7। ये दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं से गुजरने वाले स्पर्श के समीकरण को यानी स्पर्श के जो स्पर्श समतल होंगे उनके समीकरण को अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो रेखाएं दे रखी है उन रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे और इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु की हेल्प से ही अपन क्या निकाल सकेंगे, यहाँ पर जो प्लेन होगा इनसे गुजरने वाला उसको यहाँ पर निकाल देंगे, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं से गुजरने वाले, अगर मैं ये देखूँ रेखाओं की समीकरण, तो इन दोनों रेखाओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण लिखते हैं अपन। दी गई, अपने पास दो रेखाएं कह दो, दो गोला ले दो, है ना, कुछ भी हो, तो अपन उसमें लैम्बडा लगा के दोनों का एडिशन करके अपन उनको लिखते हैं, ठीक है। दी गई रेखाओं से गुजरने वाला समतल, सबसे पहला काम तो यही है, इससे जो प्लेन गुजरेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके प्लेन
ये जो प्लेन होगा इस प्लेन से गुजरने वाले जो है माइनस पाँच प्लस लेमडा एक्स माइनस टू जेड माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, यही तो होगा। यहाँ पे दोनों लाइंस को लिख लिया, जैसे एस वन प्लस लेमडा एस टू दो गोलों से गुजरने वाले स्पर्श का समतल समीकरण होता है, उसी तरह से यहाँ पे दो रेखाओं से गुजरने वाले समतल के समीकरण का इस तरह से लिखेंगे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, एक्स के कोफिशियंट एक साथ लिख लेते हैं, ये हो गया। वाई के कोफिशियंट इधर है नहीं तो वाई को वाई रहने देते हैं, और जेड का जो कोफिशियंट है माइनस का फाइव प्लस है टू लैम्डा, ठीक है, और माइनस का फाइव प्लस सेवन है लैम्डा, ये हो जाएगा अपना कॉन्स्टेंट। क्लियर होगी, ये क्या आ गई, इससे गुजरने वाले प्लेन, इन दोनों लाइन से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन है आ गई। अब अपन देख पा रहे हैं कि अगर अपन इस गोले की क्या निकाले, त्रिज्या निकाले, तो इस गोले के मूल बिंदु से गुजरने वाले हैं तो इसके गोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी, यहाँ से ये आर स्क्वायर ही होता है बराबर में, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या किसको बता देगी अपने यहाँ पर, इसको डायरेक्ट ही अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो गोले की जो त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या अपने पास यहाँ पर क्या होगी, चार होगी। और अगर अपन इस प्लेन की हेल्प से क्या निकालना चाहिए उसको और निकालना चाहिए, तो अपने पास एक रिलेशन आ जाता है लैम्डा के बीच में, ठीक है। तो देखिए, अगर इस लाइन की हेल्प से अगर अपन फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपन ने फॉर्मूला पीछे देख रखा है बहुत अच्छे से, उसी फॉर्मूले की हेल्प से अपन यहाँ पर त्रिज्या को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, त्रिज्या जो होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मूल बिंदु से गुजर रहा है अपना जो गोला है, इसलिए ये वाले कोफिशियंट्स तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ओनली अपने पास ऊपर तो बचेगा ये, और नीचे जो है वो वैल्यू बचेगी इनके स्क्वायर्स की, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डब्ल्यू, ये सारी जो वैल्यूज़ है इनका यहाँ पे अपना चलेगा, यानी यहाँ आ जाएगा वन प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू यहाँ पे आगे जेड है, फाइव प्लस टू लैम्डा का होल स्क्वायर, और इक्वल में कितना चल रहा है, गोले की त्रिज्या कितनी है अपनी, फोर है। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक, ये जो है ये अपन ने किसके त्रिज्या वाले रिलेशन से अपन ने इसको निकाला है, ठीक है। अब जब अपन इसको पूरा सोल्व करेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी, जब इसको पूरा सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग इसको खोल कर सोल्व कर लीजिएगा, दोनों तरफ पहले होल स्क्वायर कीजिएगा और फिर इसको आप सोल्व कीजिएगा, तो अपने पास लैम्डा में क्या आएगी, एक द्विघात इक्वेशन आएगी, इकतीस लैम्डा स्क्वायर माइनस के अड़तीस लैम्डा और प्लस में आया हुआ है कितना, सेवन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, अब देखिए इन दोनों को क्या करवाना है, अपने को सॉल्व करवाना है, तो सॉल्व करवाने के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ अपने पास में बचेगी, ठीक है, इसको अपन तोड़ लेते हैं, इकतीस लैम्डा स्क्वायर माइनस के इकतीस लैम्डा और माइनस के सेवन लैम्डा प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से थर्टी वन लैम्डा आ गया कॉमन, तो अंदर बच गया लैम्डा माइनस वन, यहाँ से सेवन आ गया कॉमन, तो यहाँ बच गया लेमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अगर लेमडा की वैल्यूज़ अपन देखना चाहें तो अपने पास देखिए क्या क्या आती है यहाँ से, और इन्हीं दोनों लेमडाज की हेल्प से जो है वो अपने दोनों प्लेन की इक्वेशन भी यहाँ पर बनेगी जो अपन ने देखी थी शुरुआत में। तो देखिए, लेमडा की वैल्यू यहाँ से दो वैल्यूज़ आएगी, एक तो आएगी सेवन बाई थर्टी वन और एक आएगी वन। अब जो लैम्डा के लिए अपन ने इक्वेशन लिखी थी शुरुआत में, जो प्लेन इन दोनों लाइन से गुजरने वाले प्लेन के लिए, वहाँ पर आप क्या कीजिए, लैम्डा की वैल्यू को अलग अलग यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पहले में पुट करते हैं अपन, अपनी जो इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से थी, वन प्लस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के फाइव प्लस टू लैम्डा जेड माइनस के फाइव प्लस सेवन लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, यही थी। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू को वन रख देते हैं और वन रख के प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। लैम्डा की वैल्यू वन रखेंगे तो पहली टर्म बनेगी टू एक्स प्लस वाई, दूसरी टर्म बनेगी अपनी
सेवन है जेड, ठीक है, और ये बनेगी माइनस के 12 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इस प्लेन की, इससे दो स्पर्श समतल निकलेंगे अपने, तो दोनों स्पर्श समतल में से पहला स्पर्श समतल तो अपना ये आ जाएगा। अब जो दूसरा स्पर्श समतल है वो अपन किसकी हेल्प से निकालेंगे, दूसरा स्पर्श समतल अपन निकालेंगे, और यहाँ पर है मिस्टेक है, माइनस के 5 और प्लस के 2 लैम्डा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 5 प्लस है, ओ सॉरी इक्वेशन शुरुआत से ही गलत चल रही है अपनी, ओके ओके, ये जो है ये है 2 लैम्डा जेड, यहाँ से देखिएगा यहाँ पर भी आएगा अपना 2z, ठीक है, वो गलती से लिखा गया था। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, इतना आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा लैम्डा की वैल्यू क्या है, अपन ने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, क्लियर हो गया। अब देखिए अब अगले में अपने को क्या चाहिए, लैम्डा की वैल्यू अपने को कितनी पुट कर देनी है, दूसरा समतल फाइंड करने के लिए अपने को लैम्डा की वैल्यू 7/31 रखनी है, ठीक है, तो रख दीजिए लैम्डा इक्वल टू 7/31 रखने पर, ठीक है। तो जब 7/31 रखेंगे तो अपनी इक्वेशन देखिए किस तरह से चेंज हो जाएगी, 1 + 7/31 एक्स प्लस वाई प्लस 2 × 7/31 जेड माइनस 5 + 7 × 7/31 इक्वल टू, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, पहली टर्म बनेगी 38/31 एक्स, दूसरी वाई की वाई रहेगी, तीसरी यहाँ पे बनेगी 14/31 जेड, और ये वाली बनेगी 31 × 5, ये जो पूरी वैल्यू है 31 × 5 बन जाएगा अपना 5 ये, और इसमें ऐड करना है अपने को कितना, इसमें ऐड कर देंगे 49, ये जो पूरी वैल्यू है अपनी सॉल्व होके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, और सॉल्व होके अपन इसको क्या लिख देंगे 204 इक्वल टू 0। अब ये जो आपको नीचे इसके 31 है, अब ये जो आपको 31 को एलसीएम लेके उधर 0 की साइड भेज देंगे, तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी 38x + 31y + 14z माइनस के 204 इक्वल टू 0, और ये अपनी जो है वो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक। तो इस तरह से अपन कोई भी जो टेंजेंट प्लेन का क्वेश्चन होता है, वैसे तो बेसिकली जो आपके फॉर्मूलाज पर बेस्ड होता है, अपने को देखना होता है कि किस तरह से अपने पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है और इनकी हेल्प से अपन किस तरह से यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर के लिए, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।